हेलो एवरीवन, जीआईसी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीआईसी के टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप पूरा रेंज टेम्परेचर कंट्रोलर का देख सकते हो। इसके कुछ प्रोमिनेंट फीचर यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हुए हैं। एज पर आपका रिक्वायरमेंट आप टेम्परेचर कंट्रोलर को सिलेक्ट कर सकते हो। हमारा प्रोडक्ट जो है वो सामने से ऐसे दिखता है, जिसमें पीवी मतलब है प्रोसेस वैल्यू, टीएम ये आपको टाइमर ऑन का इंडिकेशन दिखाएगा, एसवी मतलब है सेट वैल्यू, और एटी आपको अगर ऑटो ट्यूनिंग आपका प्रोसेस में है तो वो ब्लिंक करेगा तो उसका इंडिकेशन है एटी। उसके बाद उसके साथ है 6 एलईडी इंडिकेशन, जिसमें ओपी वन, ओपी टू, ओपी थ्री आपको आउटपुट के ऑन ऑफ के कंडीशंस दिखाएंगे, और प्लस इक्वल्स टू माइनस आपका प्रोसेस वैल्यू का कंडीशंस दिखाएंगे। इसमें 4 प्रोग्रामिंग कीज है, जिसके में से 3 प्रोग्रामिंग जो है वो कॉन्फिगरेबल है। कॉन्फिगरेबल एग्जिट की, स्क्रोल डाउन की, स्क्रोल अप की, एंड एंटर की है, जिसके साथ यूज़ करके आप प्रोग्रामिंग में एंटर कर सकते हो। अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैं सेंसर यूज़ कर रही हूँ PT100। ये मैं हीटिंग एप्लीकेशन ले रही हूँ, जिसमें मैं PID एक्शन यूज़ करूँगी, और मेरा सेट पॉइंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। और मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ 151A12B, जो कि सिंगल एक्टिंग प्रोडक्ट है, जिसमें 2 रिले आउटपुट है और एक SSR आउटपुट है। अभी हम लोग देखेंगे इसका बेसिक वायरिंग कैसे होता है। तो इसके लिए आपको 4 और 5 में पावर सप्लाई देना है, 10, 11, 12 में आप इनपुट सेंसर कनेक्ट कर सकते हो, आउटपुट 1, ओपी 2, ओपी 3 इसमें आप आपका आउटपुट का कनेक्शन कर सकते हो। और इसके बाद आपको पावर ऑन करेंगे तो आपको डिस्प्ले पे पीवी एंड एसवी दिखेगा। अभी सेंसर सिलेक्शन के लिए हम लोग देखते हैं, एंटर की हम लोग 30 सेकेंड तक प्रेस करेंगे, एसपी आ जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर पे जाने के लिए मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी, मेरा इनपुट आ जाएगा, उसमें मैं एंटर करूँगी, मेरा ACNS आ गया। इसको एडिट करने के लिए मैं फिर से एंटर की प्रेस करूँगी तो ACNS ब्लिंक होना स्टार्ट होगा, मतलब वो एडिटिंग मोड में है। अभी इसको सेट करूँगी PT100, PT1 कर दिया, इसको सेव कर दिया एंटर की प्रेस करके। अब मुझे प्रोग्रामिंग से बाहर आना है तो मैं स्क्वायर की 2 बार प्रेस करूँगी, तो मेरा ये इनपुट सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेट पॉइंट कैसे चेंज करना है। इसके लिए मैं फिर से एंटर की 3 सेकेंड तक प्रेस करूँगी प्रोग्रामिंग में जाने के लिए। एसपी मेनू आ गया, मैं इसको एंटर करूँगी ताकि ये प्रोग्रामिंग के अंदर चला जाए। फिर मेरा नेक्स्ट पैरामीटर आएगा SP1, इसको एडिट करने के लिए मैं एंटर की 3 प्रेस करूँगी तो ये एडिटिंग मोड में गया। इसको इंक्रीज करने के लिए मैं अप एरो की प्रेस करूँगी, और इसको जैसे एग्जांपल में हमने लिया था, मैं 100 डिग्री सेट करूँगी। 100 डिग्री आने के बाद इसको सेव करने के लिए मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो ये सेव हो गया 100 डिग्री। एंड अभी प्रोग्रामिंग से बाहर आने के लिए मैं स्क्वायर की 2 बार प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मेरा सेट पॉइंट भी सेट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि आउटपुट एंड अलार्म का सेटिंग कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने एसपी से मैं स्क्रॉल अप करके ओपी में जाऊँगी, ओपी में एंटर किया मैंने, OP1 आ गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट COP है और मुझे COP रखना है। COP मतलब कंट्रोल आउटपुट, आप इसके आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आउटपुट 2 और आउटपुट 3 का सेटिंग सेम ही है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट 2 का आपको सेटिंग दिखाऊंगी, जिसमें आप A1 NO या A1 NC रख सकते हो। A1 NO का मतलब है आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा और आपका अलार्म कंडीशन अगर ट्रू है तो, और A1 NC मतलब आपका आउटपुट ऑफ हो जाएगा अगर आपका अलार्म कंडीशन ट्रू है। तो आपको ऑफ करना है कि ऑन करना है, उसके हिसाब से आप A1 NO A1 NC रख सकते हो। एंड ये सेम एप्लीकेबल रहेगा आउटपुट 3 के लिए। अभी देखते हैं ऑटो ट्यूनिंग कैसे करना है। तो इसके लिए मैं जाऊंगी REG मेन्यू में, एंटर करूंगी, मेरा फर्स्ट आएगा कंट्रोलर फंक्शन, जो PID है, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो, अभी के लिए मैं इसको PID रख रही हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा फंक्शन जो कि रहेगा हीटिंग या कूलिंग, तो मैं उसको हीटिंग में ही रख रही हूँ क्योंकि मैंने हीटिंग का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट रहेगा मेरा ट्यून, तो ट्यून आप अलग अलग कंडीशंस पे कर सकते हो, जैसे ट्यून आपको हर पावर ऑन पे करना है कि फर्स्ट और पावर ऑन पे करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट पावर ऑन पे कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे 2 रखा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैं प्रोग्रामिंग से बाहर आ जाऊँगी स्क्वायर की 2 बार प्रेस करके। अब मुझे ट्यून चालू करना है तो मैं पावर ऑफ करके ऑन करूँगी तो ये ट्यूनिंग मोड में चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पावर ऑफ किया, अभी मैंने पावर ऑन किया, अभी मेरा AT लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेरा ट्यूनिंग इज इन प्रोसेस। और जैसे ही ट्यूनिंग कंप्लीट होगा मेरा कंट्रोलर कंट्रोलिंग करेगा प्रोसेस को। तो ये हो गया ट्यूनिंग प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो गया। अभी हम लोग देखेंगे शॉर्टकट की के साथ सेट पॉइंट कैसे चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग स्क्वायर की यूज़ करेंगे, जो 3 सेकेंड तक हम लोग प्रेस करेंगे। SP आ गया, ये ब्लिंक हो रहा है ऑलरेडी, मतलब एडिटिंग मोड में, तो आप इसको अप या डाउन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप की। और सेट कर दिया इसको एंटर की प्रेस करके, और बाहर आ गए हम लोग स्क्वायर की प्रेस करके। तो ये शॉर्टकट की से भी आप सेट पॉइंट चेंज कर सकते हो। फैक्ट्री रिसेट कैसे करना है,
तो इसके लिए मैंने एंटर की 3 सेकंड तक प्रेस कर दिया और मुझे लास्ट फंक्शन पे ना तो मैंने स्क्रॉल अप किया तो रीसेट आ गया। इसको मैंने एडिट किया एंटर की प्रेस करके और स्क्रॉल अप कर दिया तो ये येस हो गया। इसको सेव कर दिया एंटर करके, अभी कंफर्म पूछ रहा है तो मैं फिर से इसको येस कर दूंगी स्क्रॉल अप करके और सेव कर दूंगी एंटर करके। तो ये मेरा यूनिट फैक्ट्री रीसेट हो गया, मतलब सारे पैरामीटर्स मेरे फैक्ट्री डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब हम लोग ट्रबल शूटिंग के लिए जो मैसेजेस आते हैं उसका मीनिंग देखेंगे। SENS मतलब सेंसर ब्रेक एरर। ये केस में आपको सेंसर का कनेक्शन एंड सेंसर का टाइप चेक करना है ताकि ये सेंसर हट जाए एरर। OVRG मतलब ओवर रेंज एरर, इसका मतलब प्रोसेस वैल्यू जो है वो सेंसर लिमिट से ज़्यादा है। ये केस में आपको सेंसर का टाइप चेंज कर चेक करना है। UNRG मतलब अंडर रेंज एरर, ये केस में आपका प्रोसेस वैल्यू जो है वो सेंसर के लिमिट से कम है। ये केस में आपको फिर से सेंसर का टाइप चेक करना है। ER18 मतलब ऑटोट्यून का एरर है। ये केस में अगर आपका ऑटोट्यूनिंग जो स्टार्ट किया है वो एट रिक्वायर्ड प्रोसेस वैल्यू पे नहीं किया है, आपका डिफरेंस बहुत कम रहेगा प्रोसेस वैल्यू सेट वैल्यू का, तो एरर आएगा। फेल एरर तब आएगा जब आपने ऑटोट्यूनिंग के दौरान अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप ये फेल एरर आएगा, तो आपको लिए इसको ऑटोट्यून होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। SSR एरर तब आएगा जब आपका SSR अगर शॉर्ट हो चुका है या उसमें कुछ ओवरलोड हो गया है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा SSR को। CBRK मतलब लूप ब्रेक इंटरप्ट, अगर आपका लूप ब्रेक में कुछ इंटरप्शन आ गया तो आपको COP ऑफ करना पड़ेगा एरर हटाने के लिए। तो ये हो गया कंप्लीट प्रोग्रामिंग ऑफ टेम्परेचर कंट्रोलर। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप www.gicindia.com पे विजिट कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।